जहाँ एक तरफ मुँह देखे लोगों को पद्मश्री जैसे अवार्ड बांटे जा रहे हैं जो देश को अपमानित करते हैं, मैं समझता हूँ इस अन्नदाताओं को ये सरकार ये सम्मानित करे, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। किसानों के मुकदमे वापस हों जैसे मैंने कहा, और आज देश के अंदर गृह राज्य मंत्री के तौर पर भाजपा के सांसद जो विराजमान हैं, जो कि किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार करते हैं, उनके बयानबाजी, उनको रोंदने, उनको एक मिनट में भगाने उठाने के जो जिस तरह से वो वीडियोस वायरल हैं, बयान हैं, मैं समझता हूं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। यूपी से आए सांसद को भारत के सर्वोच्च गृह राज्य मंत्री के पद पर विराज करके कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो दोहरी नीति है उसको भी उजागर करती है, तो ये भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनको तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए। और बीजेपी के नेताओं ने जो अब तक 358 दिन किसानों को बदनाम करने के लिए, चाहे वो इनके मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के इनके नेता हैं, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां भाजी हैं, गालियां दी हैं, इनके आंदोलन को उखाड़ने के लिए अपने गुंडे भेजे हैं, अपनी यात्राओं के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, आज भाजपा सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती रही है और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्नदाताओं के साथ साथ देश का हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, ये देश आपको माफ़ करने वाला नहीं है। विजय लोचन जी ने जो बात की ये सच्चाई है, सच नज़र आता है कि इनको किसान से मतलब नहीं है, इनको आज भी कहीं ना कहीं अपनी चुनावी हार जीत से कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है और अपने आप को इन किसानों के सामने घुटनों के बल बैठा बैठा करके चुनाव की तरफ ही एक इनका नज़रिया दिखता है कि कहीं ना कहीं हार का भी डर इनको है और अपने परिवार की कहीं हार इनको सहन ना हो, लेकिन भूल जाते हैं 700 लोगों के परिवार उजाड़ दिए, 700 किसान शहीद हो गए और आज ये वक्त है उन किसानों का साथ देने का। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से साथियों मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि किसानों की आवाज़ आपने उठाई है, इन तीन काले कानूनों को लेकर के भी अभी भी थोड़ा जो संशय किसानों के अंदर में है, सरकार तुरंत जब अध्यादेश के माध्यम से ये कानून ला सकती है कोविड काल में, तो जो किसानों का डर है कि इनको पहले निरस्त करें, पार्लियामेंट से कैंसिल करें, अन्यथा कहीं ये भी जुमला साबित ना हो जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कई बार इस तरह के जुमले, चाहे 15 लाख का जुमला हो, ऐसा कई जुमला है जो किसानों के अंदर अभी भी एक भय या डर बनाए हुए हैं, उस डर को समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि भाजपा तुरंत इसको अध्यादेश या पार्लियामेंट से कैंसिल करा करके इन बिलों को निरस्त करे, जो मांग किसानों की थी।